गैलरी, राजाओं के हथियार वगैरह ना मैम, वो वाली गैलरी। तो अभी हम लोग आधे घंटे से घूम रहे हैं, गाइड है नहीं अभी भी यहाँ पे, और वो जो अंदर वीडियो वाला सेक्शन है वो भी ऑन नहीं हुआ है, हम दो बार पूछ के आए हैं, बंद ही अभी। तो अभी हम लोग आए थे टैटू कैफे जो कि हवा महल के एग्जैक्ट सामने है, उसके रूफ टॉप पर। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज़ डे 3 इन जयपुर। अभी हम लोग जा रहे हैं रावत मिष्ठान भंडार कचौड़ी खाने के लिए, क्योंकि वहाँ की बहुत फेमस है। उसके बाद हम लोग जाएंगे जंतर मंतर, सिटी पैलेस और हवा महल, इतना प्लान है। और देखते हैं कितना टाइम बचता है उसके बाद, तो फिर एक और फोर्ट कौन सा कवर करना है नागढ़, नागढ़ फोर्ट एक बाकी है तो वो कवर करना है, तो अगर दोपहर में टाइम बचेगा तो नागढ़ फोर्ट कवर करेंगे। यहाँ पे चटनी नहीं मिलती, सिर्फ कचौरी मिलती है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पर कचौरी ऐसे ही खा सकते हो आप विदाउट चटनी। सो फाइनली इस बाइक का पंचर करवा के आधा पौना घंटा वेस्ट करके हम लोग जंतर मंतर आ गए, और एक गुड न्यूज मिली है हमें फाइनली कि आज कुछ पतन दिवस ही ऐसा कुछ है, और यहाँ पे बोल रहे थे डोंट कोट मी ऑन दिस, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कौन सा डे, इसीलिए ये जो है जंतर मंतर उस पर एंट्री फ्री है, सिटी पैलेस में एंट्री टिकट है पर जंतर मंतर फ्री है। फाइनली कुछ अच्छा हुआ, शुक्रिया हमारे कैमरामैन का। चलो आगे चलते जंतर मंतर। अभी हम लोग जहाँ पे जंतर मंतर में आए हैं वहाँ पे 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है जो राजा सवाई सिंह दूसरे जिन्होंने जयपुर की स्थापना की है, उन्होंने बनवाए थे यहाँ पे 19 ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे उस टाइम की वह एस्ट्रोलॉजी की रिलेटेड सारी जो बातें थी, भविष्यवाणी थी, वो की जाती थी, और जंतर मंतर में वही सब है। अभी हमने गाइड का पूछा पर गाइड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी 9 बजे सामने अंदर एक रूम है, वहाँ पे वीडियो बनता है और वीडियो में पूरा दिखाते हैं 19 इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या काम है, तो अंदर जाते हैं वीडियो देखते हैं। और तब तक मुझे इंस्ट्रूमेंट के किसी के बारे में कोई पता नहीं है तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा, पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बाजू में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो काफ़ी जगहों पर, काफ़ी जगहों पर नहीं, तो जिन जिन जगहों पर लिखा हुआ है वहाँ का मैं वीडियो ले रहा हूँ तो आप पॉज करके रीड कर सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज़ होता है। हाँ वहाँ पे ऊपर यहाँ स्केल भी बना हुआ है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही डिटेल में ऐसा ही है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब जंतर मंतर है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नाम आया है, और करण ये तीसरी बार बोल रहा हूँ, और ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे देख के ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या करें यार बहुत भीड़ है। चौथी पांचवी बार भी अभी वो बोलेगा नहीं भाई, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है फाइनल। लेकिन अगर यहाँ पर गाइड ना हो तो कुछ पल्ले ही ना पड़े, हो क्या रहा है अंदर बोल रहे 10 मिनट में वीडियो स्टार्ट होगा, इसके लिए वेट कर रहे हैं, वीडियो में अगर शूट करने दिया तो आपको डेफिनेटली दिखाएंगे। अभी हम लोग आधे घंटे से घूम रहे हैं, गाइड है नहीं अभी भी यहाँ पे, और वो जो अंदर वीडियो वाला सेक्शन है वो भी ऑन नहीं हुआ है, हम दो बार पूछ के आए हैं, बंद ही अभी क्योंकि आज पता नहीं फ्री में एंट्री तो शायद बंद करके रखा हुआ, डोंट नो, हमें लेट हो रहा है। तो हम लोग अभी सिटी प्रेस चल रहे हैं, बाय द वे ये जो एरिया है यहाँ पर अपनी अपनी राशि के अनुसार ना ये सब यंत्र बिठाए हुए हैं, तो
क्या राशि में क्या भविष्य होने वाला है वो सारी यहाँ से मिलती थी, आगाही होती थी। और ऐसा भी कोई एक बंदा खड़ा था, वो बोल रहा था कि अभी भी जो भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया के पास है उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी वाले ये इंस्ट्रूमेंट है विदाउट एनी मेंटेनेंस कॉस्ट। और ये क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है, सुनामी होने वाले, भूकंप होने, ये सब प्रिडिक्ट करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। पता नहीं, वीडियो में देखने को नहीं मिला। तो अगर वो बोल ही ना तो वास्तु के हिसाब से सब बना रहे हैं ऐसा करके। तो अगर आप जंतर मंतर आ रहे हो तो अंदर जाके वीडियो डेफिनेटली देखना। हम अभी नहीं देख रहे क्योंकि हमें जा रहे हैं सिटी पैलेस, वो ओपन हो चुका है और वहाँ पे घूमने में 2-3 घंटे लगेंगे। और आप फोटो खींचवा। हाँ, आप अपनी राशियों के पास, मैंने यही किया। तो चलते हैं सिटी पैलेस और यहाँ से निकलते हैं, बहुत गर्मी है। पर्यटन दिवस है ना। अच्छा, इसीलिए वो जंतर मंतर फ्री में था। हाँ, जो आज क्या है, पर्यटन दिवस है मैम। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस है तो आज क्या, जितने भी मतलब गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट है ना मैम, वो सब फ्री है। तो ये क्यों नहीं फ्री है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, ये क्या राजा का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पूरा राजा ही रहता है। हाँ, पहले तो पूरे में रहते थे मैम। लेकिन अभी क्या, जैसे इसका क्या कुछ पार्ट क्या इन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया ना। ओके। तो उनका जो रेजिडेंस पार्ट है वो उस तरफ है, वो जो आप येलो कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं ना जिसपे फ्लैग है। अच्छा, वहाँ पे रहते हैं अभी रॉयल फैमिली। ये वही वाला जैगर के ऊपर जो फ्लैग है वही है सेम? जैगर और जो सिटी पैलेस है ये भी रॉयल फैमिली के अंडर में है। अच्छा, दोनों। जी हाँ। बाकी नारगढ़ फोर्ट हुआ, आमेर फोर्ट है, हवा महल, जंतर मंतर, ये सब है जो अभी गवर्नमेंट के अंडर में है। आई दबा टिकट है वो 300 रुपीज़ पर पर्सन है। सही है ना? 300 रुपये नहीं 200 रुपये है, 600 रुपये हुआ है। स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है 150 रुपये। मैंने वीडियो में डाल दिया है। आमेर के लास्ट किंग थे और जयपुर के फर्स्ट किंग थे जिनका नाम था सवाई जयसिंह सेठ, जिन्होंने जयपुर बसाया था 1727 में। तो इधर का जो रॉयल फैमिली है उनका फर्स्ट कैपिटल आमेर फोर्ट ही था, लेकिन आमेर क्या सर पहाड़ियों के बीच में बना हुआ था तो वहाँ पे जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा हो गया, पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से उन्होंने वहाँ से अपना कैपिटल शिफ्ट किया इधर। और जब राजा इधर आए तो सबसे पहले उन्होंने अपने रेजिडेंस के लिए वो बिल्डिंग बनवाई थी और उस बिल्डिंग का नाम रखा उन्होंने चंद्र महल, मून पैलेस, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था चंद्रावती और उन्हीं के नाम से उस बिल्डिंग का नाम रखा उन्होंने चंद्र महल। अभी जयपुर के जो प्रेजेंट किंग है सर वो अभी 23 ईयर्स ओल्ड है, उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। लंदन से उन्होंने पढ़ाई करी है और अपना जो पोलो का नेशनल टीम है उससे पोलो भी खेलते हैं वो नेशनल टीम से। सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं सर, इस बिल्डिंग का नाम है मुबारक महल। मुबारक महल का मतलब होता था सर वेलकम पैलेस। राजाओं के पहले के टाइम पे गेस्ट वगैरह, मेहमान वगैरह जो भी आते थे वो सबसे पहले इसी बिल्डिंग में रुकते थे। लेकिन 1959 में जब से इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया मैम तब से इसमें टेक्सटाइल गैलरी है। राजाओं के, रानियों के जो पुराने कपड़े वगैरह रखे हुए ना, जितने भी आर्टिकल हैं वो सब इसी गैलरी के अंदर है। आपने आगरा का ताजमहल देखा होगा, ताजमहल के बाद में इंडिया का ऐसा दूसरा बिल्डिंग है जो चारों तरफ से बिल्कुल सेम बना हुआ है बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को अगर आप कहीं से भी देखेंगे तो सेम है, जैसे ये इसका फ्रंट है ना, साइड से इसके पीछे जाएंगे तो भी सेम है, साइड से देखेंगे तो बिल्कुल सेम बना। अभी हम लोग जा रहे हैं गैलरी के अंदर, वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अभी वीडियो बंद करता हूँ। जहाँ पे भी अलाउड होगा वहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको क्या क्या है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद आ रही है हिट द लाइक बटन। आर्टिस्ट लोग होते थे जैसे राजाओं के लिए कोई पेंटिंग बनाते थे, कोई ज्वेलरी बनाते थे, ठीक है, कोई इत्र जो भी मैं बता रहा था इत्र और काजल जयपुर का फेमस है तो कोई वो बनाते थे। तो ये उन लोगों की गैलरी है मैम, जो राजाओं के पहले के टाइम पे जो आर्टिस्ट लोग थे उन्हीं की फैमिली वालों को ये जगह दे रखी है रॉयल फैमिली ने। तो वो सब क्या लोग यहाँ पे बैठते हैं और अपने अपने आर्टिकल बनाते हैं मैम और सेल भी करते हैं। जे अंदर जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं सब नेशनल और स्टेट अवार्डेड आर्टिस्ट। राजाओं के हथियार वगैरह ना मैम, वो वाली गैलरी। तो अभी ये जो देख रहे हैं ये प्रेजेंट रॉयल फैमिली है सर कंप्लीट, जो मैं बता रहा था आपको जो येलो कलर की बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये यहाँ की राजमाता हैं पद्मिनी देवी, इनका नाम है जो 80 ईयर्स ओल्ड है। ये इनकी लड़की दिया कुमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये इनके लड़के हैं बड़े वाले जो अभी प्रेजेंट किंग है ना, ये सवाई पद्मनाभ सिंह जी वो ये है। ये इनके सिस्टर है गौरवी कुमारी जी और ये है लक्ष्य राज सिंह जी, सब इधर ही रहते हैं। ठीक है, तो अभी अपन वेपन्स गैलरी के अंदर चलेंगे, हथियार वगैरह देखेंगे राजाओं के, अंदर यहाँ पे भी वगैरह अलाउंगे। ठीक है सर। तो अभी हमने वेपन्स का रूम देखा, वहाँ भी बहुत सारे पुराने वेपन्स है, बहुत अच्छा है। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं इसीलिए दिखा नहीं सकते। और सामने वो कपड़े रखे हैं पुराने सब राजा के, वहाँ पर भी शूटिंग अलाउड नहीं। तो दो हो गए अब दीवाने खास और दीवाने आम, जो हमने उदयपुर सिटी पैलेस में देखा था वो यहाँ पे भी है, तो वो देखते हैं। दीवाने खास में तो शूटिंग अलाउड है, दीवाने आम में जो आम पब्लिक के साथ में होती थी ना वहाँ पे नहीं। आम पे नहीं है ऐसा नहीं हुआ आम पे। ये है दीवाने खास, ये है दीवाने खास है वो दीवाने खास जो अभी दीवाने आम जो देखोगे ना आप सर, वो सबसे मतलब यहाँ का बेस्ट वो है गैलरी है इस जगह। अच्छा, अच्छा।
तो सर ये है दीवाने खास, जो राजाओं के पहले के टाइम पे, मतलब दीवाने खास में क्या करते थे, जो खास, खास लोगों के साथ में मीटिंग होती थी। राजा अपने यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग करते थे, कैबिनेट मीटिंग करते थे, मतलब राजा की जो पर्सनल जो मीटिंग होती थी वो इसी जगह पे होती थी, मतलब कोई सुन नहीं सके, इसलिए चारों तरफ से ओपन है ये। और दोनों तो जार देख रहे हैं मैम आप, ये दोनों ओरिजिनल सिल्वर जार है, ओरिजिनल चांदी के बने हुए हैं। जयपुर के 9th नंबर के राजा थे जिनका नाम था सवाई माधो सिंह सेकंड। इंग्लैंड के राजकुमार थे एडवर्ड सप्तम, जब वहाँ पे उनका राजतिलक हुआ ना इंग्लैंड में, तो यहाँ के जो राजा थे माधो सिंह जी, उनको वहाँ पे इन्वाइट किया गया था इंग्लैंड में। लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो हम धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, हमेशा गंगा जल यूज़ में लेते थे, उन्होंने उनकी पूरी लाइफ में कभी नॉर्मल वाटर यूज़ में नहीं लिया, तो गंगा जल भर के रखते थे। हाँ मैम, नाना खाना पीना सारा काम वो गंगा जल से करते थे। तो जब राजा, हाँ मैम, जब राजा इंग्लैंड जा रहे थे तो वहाँ पे गंगा जल मिलता नहीं, इसलिए यहाँ से गंगा जल ले जाने के लिए उन्होंने ऐसे दो सिल्वर जार बनवाए थे। यहाँ से बाई ट्रेन इसको मुंबई लेके गए थे, फिर मुंबई से पानी के जहाज से इंग्लैंड गए थे बाई शिप। तो पूरा इन्होंने क्या, एक शिप था ओलंपिया नाम का जहाज, वो पूरा इन्होंने हायर किया था उस समय। 345 kg वेट है। अच्छा, खाली का? खाली का। और वाटर कैपेसिटी है इसका 4091 liter, 5 feet 3 inches का हाइट है, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। इससे बड़ा चांदी का बर्तन अभी तक पूरी दुनिया में नहीं बना था। शासन को यहाँ पे पूरे 25 साल हो गए थे, तो इन्होंने क्या सिल्वर जुबली समारोह किया था यहाँ पर। अलग अलग स्टेट के जितने भी राजा लोग थे वो सब आए थे, चीफ गेस्ट के तौर पे थे लेडी माउंटबेटन और माउंटबेटन, तब का पिक्चर है। तो हमारे पीछे जो था वो था दीवाने आम, जहाँ पे राजा आम लोगों से बातें करते थे, और दूसरा वर्ल्ड का, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा शैंडेलियर भी अंदर है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, सब राजा की फोटोज हैं, सीट्स है, वो सब है, पर अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं कर पाया मैं। सब ऐसे लाइन में आ जाओ सब। डांसिंग कोर्टयार्ड जहाँ पे राजाओं के डांस वगैरह प्रोग्राम फंक्शन जो होते थे वो वाली जगह है मैम। हाँ, राजा लोग नीचे बैठा करते थे, रानी ऊपर से बैठ के देखते थे। तो यहाँ पे चार सीटें हैं, चार अलग अलग गेट हैं। ये जो चार गेट है ना यहाँ पे, 1, 2, 3 और ये चार, ये 4 सीजनेबल गेट है। मतलब जैसा सीजन होता था राजा उसी गेट से एंट्री करते थे सीजन के हिसाब से। लेकिन जब से इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया है ना, तब से इसमें 3 गेट बन रही है, 1, 2 और ये 3। सिर्फ 1 गेट खुला हुआ है, पिको गेट, जो इंडिकेट करता है रनिंग सीजन का। हमारा सिटी पैलेस का टूर ख़त्म हो गया। 6-7 स्पॉट्स हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे। 3-4 जगह पे शूटिंग अलाउड नहीं है, तो हमने कुछ दिखाया नहीं आपको। 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, 45 मिनट्स पकड़ लो आप। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, पर जो उदयपुर का सिटी पैलेस था वो सबसे बेस्ट है। ये तो बहुत छोटा टाइप लग रहा है, बट कोई नहीं, अगर आना चाहते हो तो वर्थ है, गाइड ले लो। नहीं लोगे तो भी ऐसा है कि सारी जगह पे लिखा हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हो, इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें तो ऐसा लगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। सो अभी यहाँ से हवा महल जाने का प्लान है। हवा महल आज जो दिन है, इसकी वजह से जितने भी गवर्नमेंट ओन मॉन्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे फ्री एंट्री है, तो हवा महल में भी फ्री एंट्री। तो यहाँ से चलते हवा महल। क्या बोलते हो? मैं तो यहाँ से सिटी पहले से बाहर निकल के ऐसी बैटरी वाली कार में 10-10 रुपए में हवा महल जा सकते हो। हम लोग जा रहे हैं, पता हो तो बैटरी वाली कार हायर कर सकते हो, तो मैं बैटरी वाली कार में ही जाती। मैं जो हेलमेट पहन के दिमाग खराब किया अपना। अभी हम लोग आए थे टैटू कैफ़े, जो कि हवा महल के एग्जैक्ट सामने है, उसके रूफ टॉप पर। बहुत ही ज़्यादा धूप है, बट यहाँ से जो व्यू मिलता है ना, इट्स रियली रियली अमेजिंग।
अभी हम लोग खड़े हैं हवा महल के गेट सामने, अंदर नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत थक भी चुके हैं, तो यहीं से बाहर से देख रहे हैं। अंदर जा सकते हो आज, अब फ्री है आज के दिन। और हम लोग अभी जा रहे हैं होटल क्योंकि हमारा बहुत दिल दुख है, 1000 रुपये खर्च करके सिटी पैलेस में, इतना वर्थ नहीं है सिटी पैलेस, उदयपुर सबसे बेस्ट है। तो अभी हम लोग वापस 10-10 रुपये अभी ऑटो करके जा रहे हैं सिटी पैलेस, वहाँ से बाइक उठाएंगे फिर चलते हैं हमारे होटल। हम लोग ऊपर टैटू कैफे में गए थे, वो भी मतलब व्यू के लिए जा सकते हो पर आपको कंपलसरी कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, बहुत महंगा है। हम लोग शंभू से बिलोंग करते हैं ना, नहीं ज्यादा ओवर प्राइस दे, पर वही है कि वो जगह का जो है फायदा उठा रहे इसलिए। तो अगर आप जा रहे हो तो एक चीज माइंड में रखना, ऑर्डर करना पड़ेगा, फोटोज खींचो और शाम के टाइम पे जाओ ताकि थोड़ा सन डाउन हो तो आपको मजा भी आए फोटो। नहीं लेकिन हमने 3 दिन में जितने पैसे अपने इन्वेस्ट नहीं किया आज 1 दिन में मतलब वेस्टेज ऑफ मनी हो गया, मतलब वही है बहुत। और सिटी पैलेस में गाइड ने कुछ ज्यादा ही पैसे लगाए, बार्गेनिंग तक 100 तक कर सकते हो ना, कर देना सिटी पैलेस अगर आपको देखना है, वर्थ नहीं है गाइड लेना।